हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। हॉलीवुड पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की फैन फॉलोइंग हॉलीवुड के साथ साथ इंडिया में भी काफी ज्यादा है। उनके गानों को लोग खूब पसंद करते हैं। जस्टिन बीबर की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर इस कदर बोलती है कि उनकी एक झलक पाने को लोग काफी बेताब होते हैं। कुछ समय पहले जब जस्टिन बीबर के फैंस को ये पता चला कि उनका शो इंडिया में होने वाला है तो वो काफी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन अब जस्टिन बीबर के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। जस्टिन बीबर का शो इंडिया में कैंसिल कर दिया गया है। टूर के आयोजकों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बयान जारी किया है। टूर के आयोजकों ने अपने बयान में कहा कि जस्टिन बीबर का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में 18 अक्टूबर 2022 को होने वाला शो कैंसिल हो गया है। ऐसा फैसला उनकी खराब सेहत को लेकर के लिया गया है। भारत के साथ ही अन्य देशों में भी जस्टिन बीबर के शोज को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब जस्टिन बीबर का वर्ल्ड टूर कैंसिल हुआ हो। ये लगातार दूसरी बार देखने को मिल रहा है कि जब जस्टिन बीबर का ये वर्ल्ड टूर कैंसिल हुआ हो। टूर के आयोजकों ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि वो आशा करते हैं कि जस्टिन बीबर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और भारत में उनके शोज के लिए आएंगे। इसके साथ ही टूर आयोजकों ने बुक माई शो से अपील करते हुए कहा कि जितने लोगों ने भी शो के लिए एडवांस बुकिंग कराई थी उनके पैसे भी जल्द से जल्द वापस कर दिए जाएं। बता दें कि जून में जस्टिन बीबर को रामसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। इस बात की जानकारी जस्टिन बीबर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को भी दी थी। इस बीमारी से तो जस्टिन धीरे धीरे ठीक हो ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी खराब सेहत को देखते हुए उनके शोज को कैंसिल कर दिया गया है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी जस्टिन बीबर की ये शोज कैंसिल हो गए हैं। अब जस्टिन बीबर दोबारा भारत कब आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार उनके शोज के कैंसिल होने की खबर ने उनके फैंस को काफी निराश कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।